हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास जो हम इससे पहले हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी का हम यूज़ करेंगे, आपकी जो बुक में भी दिए हुए हैं और मैंने बताए थे आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, प्रूव दैट 3 sin inverse x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x³ और x बिलोंग करता है -1/2 से 1/2। हमारे पास ये प्रूव करना है कि 3 sin inverse x किसके इक्वल हो जाएगा, (sin inverse)(3x - 4x³) के इक्वल होगा। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है तो क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स, जो साइन इनवर्स एक्स है उसको हमने क्या ले लिया, थीटा। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी थीटा, एंड एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब इसमें वैल्यू अप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में, साइन इनवर्स आगे है 3 और x की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा -4 sin³θ। अब साइन इनवर्स, और ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, sin³θ का फॉर्मूला है, sin³θ का है 3 sin θ - 4 sin³θ। तो ये जो फॉर्मूला है किसका बन गया, sin³θ। साइन इनवर्स sin³θ, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3θ। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x, तो क्या आ जाएगा 3 sin inverse x, और ये हमारे पास क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 cos inverse x इज इक्वल टू (cos inverse)(4x³ - 3x)(close) एंड x बिलोंग्स टू 1/2 up to 1। अब प्रूव करेंगे हम कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसी तरह जैसे फर्स्ट किया है, कोस इनवर्स एक्स मान के चल पड़े कि कोस इनवर्स एक्स है वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको अपोजिट साइड लेके आए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब पुट करेंगे राइट हैंड साइड के अंदर कोस इनवर्स 4x की जगह हम क्या रख देंगे, (cos³θ - 3x) की जगह कोस थीटा, कोस इनवर्स। ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, (cos³θ) का फॉर्मूला है, (4cos³θ - 3cos θ). अब क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स, इसको क्या लिख दिया मैंने, (cos³θ). कोस और कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 3θ, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स एक्स, तो क्या आ जाएगा 3 cos inverse x, और यही हमारे पास क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 10 inverse 2/11 + 10 inverse 7/24 इज इक्वल टू 10 inverse 1/2। इसको हमें प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे, 10 inverse a + 10 inverse b के फॉर्मूले से जो आपको गिवन है। अब देखो टू प्रूव 10 inverse 2/11 + 10 inverse 7/24, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेके चले 10 inverse a + 10 inverse b, हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 10 inverse a + b / 1 - ab। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ये अप्लाई कर देंगे, 10 inverse a हमारे पास क्या है 2/11 + b हमारे पास 7/24 डिवाइडेड बाई 1 - 2/11 a × 7/24। अब ऊपर क्या आ जाएगा, इससे तो हमने कैंसिल कर दिया, ऊपर दोनों का अगर हम लेंगे तो 264 आ जाएगा, 24 की और 2 की मल्टीप्लाई 48, 11 और 7 की 77 डिवाइडेड बाई, इससे कैंसिल करके क्या आ जाएगा 12, 11 और 12 की मल्टीप्लाई 132 बन जाए 132 - 7, इसमें से इनको प्लस करेंगे 125/264 डिवाइडेड बाई, इसमें से 132 में से 7 माइनस किया 125/132, इसको लेके आए 125/264, इसको अगर हम ऊपर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 132/125, 132 से क्या हो जाएगा 2 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 1 पे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 10 inverse 1/2, और ये हमारे पास क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रूव दैट 2 10 inverse 1/2 + 10 inverse 1/7 इज इक्वल टू 10 inverse 31/17। आपको ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2 10 inverse 1/2 + 10 inverse 1/7, ये आपके पास है 2 10 inverse x का फॉर्मूला क्या है, 2 10 inverse x का फॉर्मूला है 10 inverse 2x/1 - x². अब ये अप्लाई करेंगे, पहले हम 10 inverse इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, 10 inverse 2x, 2 और x की वैल्यू क्या है 1/2 / 1 - x² 1/2 होल स्केयर प्लस 10 inverse 1/7, 10 inverse 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 और 1 माइनस 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4,
क्या आ जाएगा, प्लस टेन इनवर्स 1/7, इधर इसको सॉल्व किया 1/1 में से 1/4 माइनस करेंगे क्या आएगा 3/4, प्लस टेन इनवर्स 1/7, और इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो क्या आएगा टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 टेन इनवर्स। अब टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, फॉर्मूला क्या है टेन इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए बी, ए हमारे पास 4/3 प्लस बी 1/7, 1 माइनस ए और बी। अब टेन इनवर्स दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 7 3 जा 21 और 21 1 जा 21 माइनस 4 1 जा 4। टेन इनवर्स 28 प्लस 3 31 बाई 21 अपॉन 21 में से 4 माइनस करेंगे 17/21, इधर आ जाएगा टेन इनवर्स 31/21, इसको लेके आएंगे 21/17, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 31/17, और यही हमारे पास क्या थी हमारी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे। टेन इनवर्स रूट 1 + x² - 1/x, अब हमें देखना 1 + x² है, अगर माइनस एक्स स्केयर होगा तो हम साइन और कॉस पुट करेंगे, और जब प्लस में आ जाता है तो हम किसको पुट करेंगे 10 को। अब 10 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स, हमने क्या पुट कर दिया 10 थीटा। अब इसके अंदर अप्लाई करेंगे टेन इनवर्स, ये था हमारे पास 1 + x² - 1/x, टेन इनवर्स ये क्या आ जाएगा रूट 1 + tan² थीटा, और ये क्या है माइनस 1 बार है आपके पास डिवाइडेड बाई 10 थीटा। टेन इनवर्स 1 + tan² किसके इक्वल होता है सेक्स स्केयर थीटा के इक्वल होता है, और माइनस 1 सेक्स स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1/10 थीटा। सेक थीटा को हमने क्या लिख लिया 1/cos θ - 1, और 10 θ को sin θ / cos θ इज इक्वल टू 10 इनवर्स। एलसीएम लेंगे cos θ, 1 - cos की और 1 की मल्टीप्लाई cos θ डिवाइडेड बाई sin θ / cos θ, cos से cos कैंसिल हो जाएंगे, 10 इनवर्स 1 - cos θ डिवाइडेड बाई sin θ। अब 1 - cos θ का क्या हमारे पास फॉर्मूला 2 sin²θ/2, अगर यहाँ माइनस है तो साइन में कन्वर्ट होगा, और अगर यहाँ प्लस है तो कॉस में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ 1 माइनस, तो 1 माइनस है तो क्या लिखेंगे 2 sin²θ/2, और sin θ का क्या फॉर्मूला है sin²θ का जो फॉर्मूला है उसका हाफ कर देंगे एंगल का, 2 sin θ/2 और cos θ/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 sin से 1 sin कैंसिल, साइन बाई कोस क्या बचेगा 10, 10 इनवर्स 10 θ/2, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, θ/2, थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से देखो सॉल्व करके क्या आ जाएगी, इधर से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इनवर्स x आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 tan inverse x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, टेन इनवर्स 1/√x² - 1। अब जो x है वो हमारे पास क्या है mod of x है, तो इट मीन्स हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगा, ये क्या दे रखा ग्रेटर देन 1 की 1 से बड़ा है। गिवन हमारे पास क्या टेन इनवर्स 1/x² - 1, x² - 1, 1 माइनस होगा तो मैंने बताया था साइन स्केयर कॉस स्केयर पुट करते हैं, अब ये तो क्या है x² - 1 है, तो फॉर्मूला हमारे पास ये अप्लीकेबल हो सकता है कि cosec²θ - 1 इज इक्वल टू कोट स्केयर, तो x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं कोसिकेंट पुट कर सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए हमने x इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया कोसिकेंट थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा कोसिकेंट इनवर्स x। टेन इनवर्स 1/√x² - 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√cosec²θ - 1, cosec²θ - 1 किसके इक्वल होता है कोट स्केयर थीटा के, तो रूट कोट स्केयर थीटा स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा टेन इनवर्स, और 1/cot क्या होता है 10 होता है, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, क्या आया थीटा। थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली थी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ऊपर से अगर हम सॉल्व करके देखेंगे थीटा हमारे पास क्या होता है कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो इसको हमने क्या लिख दिया कोसिकेंट इनवर्स एक्स, और इसको हम क्या भी लिख सकते हैं इसको ये भी लिख सकते हैं, और दूसरा हम इसको क्या लिख सकते हैं ये हमारे पास फॉर्मूला है कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इस फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स
स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स है, और एक्स है वो हमारा 0 से पाई के बीच में लाई करता है। अब टेन इनवर्स से ब्रैकेट 1 माइनस है तो किस में कन्वर्ट होगा, 2 साइन स्केयर में, और प्लस होगा तो कोस में आता है, तो क्या लिखेंगे, स्केयर रूट ऑफ 2 साइन स्केयर एक्स बाई 2, और 2 कोस स्केयर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस क्या होता है 10, तो क्या लिखेंगे 10 इनवर्स 10 स्केयर एक्स बाई 2, स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स 10 एक्स बाई 2, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा एक्स बाई 2। अब एक्स बाई 2 है, ये बोल रखा है कि एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से पाई, अगर हम इसको बाई में 2 करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 10 इनवर्स ब्रैकेट कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स हमारा 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। गिवन है हमारे पास 10 इनवर्स ब्रैकेट कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स, जब भी हमारे पास ऐसे मिटर्म आते हैं तो हम उसको हमेशा सॉल्व करेंगे या तो कोस से या साइन से डिवाइड करके, अगर यहाँ पे हमारे पास कोट दे रखा है तो हम इसको साइन से डिवाइड करेंगे, या 10 दे रखा है तो हम इसको कोस से डिवाइड करेंगे। 10 इनवर्स डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस एक्स, 10 इनवर्स कोस बाई कोस माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स, इसको भी डिवाइड कर दिया और नीचे वाले को भी ऐसे ही डिवाइड कर दिया, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1, माइनस साइन बाई कोस 10 एक्स हो जाएगा अपॉन कोस से कोस कैंसिल होके 1 प्लस साइन बाई कोस 10 एक्स। अब 10 इनवर्स 1 माइनस 10 एक्स, 1 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4 लिख सकते हैं, इसको मैंने क्या लिख दिया 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स, और 1 प्लस 10 एक्स, इसकी अगर मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे तो भी हमारे पास एज इट इज़ है, 1 को मैंने क्या लिखा 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का है, 1 माइनस 10 एक्स और 1 प्लस 10 एक्स, हम चाहें तो यहाँ भी एज इट इज़ लिख सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास ये फॉर्मूला है 10 इनवर्स 10 ए माइनस बी का पाई बाई 4 माइनस एक्स, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये हमारे पास एज इट इज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 10 इनवर्स एक्स बाई स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और ये हमारा कहाँ से का लिखते हैं मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है कि लेस देन ए, गिवन दैट 10 इनवर्स एक्स बाई स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ए स्केयर को ख़त्म करना है, तो जो भी हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे उसके साथ ही हम क्या लेके चलेंगे उसमें ए। अब x इज इक्वल टू मैंने क्या पुट किया, अगर यहाँ a की जगह 1 कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्केयर या 1 माइनस कोस स्केयर हमारे पास इक्वेशन में बन जाएगी। x इज इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया a साइन थीटा, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस दर लेके जाएंगे x बाई a आ जाएगा, और थीटा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई a। अप्लाई करेंगे 10 इनवर्स x की जगह a साइन थीटा अपोन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की जगह ए स्केयर साइन स्केयर थीटा, 10 इनवर्स a साइन थीटा बाई, दोनों में से ए स्केयर हमने कॉमन ले लिया और क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। अब ए स्केयर के स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या आएगा a, और 1 माइनस साइन स्केयर क्या होता है कोस स्केयर थीटा, तो दोनों का स्केयर रूट कैंसिल, क्या आया 10 इनवर्स a साइन थीटा बाई a कोस थीटा, a से a कैंसिल, साइन बाई कोस क्या आ जाएगा 10 थीटा, तो क्या लिखेंगे 10 इनवर्स 10 थीटा इज इक्वल टू 10 से 10 इनवर्स कैंसिल थीटा, थीटा हमारे पास क्या है साइन इनवर्स x बाई ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, 10 इनवर्स ब्रैकेट 3 ए स्केयर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्केयर। अब गिवन दैट हमारे पास क्या है ये, और इसमें हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब हमारे पास 10 3x का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या कर दिया कि ए स्केयर जब भी दे रखा आपको टर्म्स में, तो मैंने बताया था साथ में a पुट करते हैं, तो लेट x इज इक्वल टू हमने पुट किया a tan थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा क्या आ जाएगा x बाई a, और थीटा क्या आ जाएगा 10 इनवर्स x बाई a आ जाएगा। 10 इनवर्स 3 ए स्केयर एक्स की जगह क्या आया a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब, एक्स की जगह क्या है ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3 ए, और एक्स स्केयर की जगह क्या आ जाएगा ए स्केयर टेन स्केयर थीटा,
अब ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, टेन थ्री थीटा का। इसमें से हमने क्या किया, ए स्केयर और ए क्यूब, यहाँ भी ए क्यूब है और यहाँ भी ए क्यूब, ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। इसी तरह दोनों में ए क्यूब कॉमन है, नीचे से भी क्या आ जाएगा, वन माइनस थ्री टेन स्केयर थीटा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो है हमारे पास किसका फॉर्मूला है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बचेगा, तो क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, क्या आया, थ्री थीटा। थ्री और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हमने एज इट इज पुट कर दी जो हमने निकाल रखी थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, टेन इनवर्स ब्रैकेट टू कोस ब्रैकेट टू साइन इनवर्स वन बाई टू। एज इट इज रखेंगे, टेन इनवर्स ब्रैकेट टू कोस ब्रैकेट टू, अब साइन इनवर्स वन बाई टू, साइन इनवर्स एज इट इज और वन बाई टू वैल्यू कहाँ होती है, साइन पाई बाई सिक्स में, साइन से साइन कैंसिल, इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, टेन इनवर्स टू कोस टू एज इट इज और पाई बाई सिक्स, टू से कैंसिल करेंगे थ्री आ जाएगा, टेन इनवर्स टू कोस पाई बाई थ्री। अब कोस पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है, वन बाई टू आएगी हमारे पास, टेन इनवर्स टू इंटू वन बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स वन आ जाएगा और टेन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाई फोर, तो वन को हमने क्या लिख दिया, टेन इनवर्स और वन को क्या लिखा, टेन पाई बाई फोर, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई बाई फोर। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।